आप उन्मादियों को टिकट देते हैं। ये जो गोपालगंज का इलाका रक्तरंजित है, उन्मादी है, क्यों जाती है उन्माद है? अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का झगड़ा आप लगा रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश। विकास दुबे को जी आइकॉन हो गए पूरा उत्तर प्रदेश के। अरे भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो लोग एमएलए बने अपने को चेंज तो कर सकते थे ना। हम किसी को अपराधी या माफिया कहने नहीं आए। आपका कल का अतीत क्या था मुझे नहीं मतलब, लेकिन वर्तमान में आप यदि लालू यादव और नीतीश जी दोनों को संरक्षण देकर के बढ़ाए तो उसके बाद चेंजिंग होनी चाहिए ना। क्या बिगाड़ा था भाई? मुझे तो जेपी यादव के बारे में मैं सिर्फ इतना सुना हूँ, जेपी यादव का कहीं भूमिका मुन्ना तिवारी के मर्डर में हो तो उसको अविलंब सजा मिले। मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, जरा भी नहीं, लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या ये घटना घटित क्यों हुआ। यहां तो ठेकेदार को जला दिया गया था, तब भी हम आए थे। अब बस सिर्फ इसीलिए कि यहां पर मर्डर हुई, वहां घटना घटी, इसीलिए जेपी का नाम इन्वॉल्व कर देना है, तो आप उसकी जांच सीआईडी एसआईटी से क्यों नहीं कराते? यहां कौन लोग थे मारने में, क्यों मारे, इसकी भी जांच पूरी तरीके से सीआईडी। मैं नहीं कहता हूं कि अमुक आदमी ही मार दिया, लेकिन एक टेंडेंसी तो है ना इस इलाके के दबंग सत्ताधारी नेताओं की कि कोई भी व्यक्ति, या नहीं कि जेपी यादव, जेपी सिंह, जेपी शर्मा, कोई भी व्यक्ति यदि गोपालगंज में ठेकेदारी में या सामाजिक रूप से भूमिका बढ़ती है तो उसको 47 का शिकार होना पड़ता है। ये बात है या नहीं? और ये 56/47 का शिकार, जिला परिषद कोई लड़ेंगे, चेयरमैन लड़ेंगे, उसको भी मार देना है। वो गरीब हो, गुरबा हो, मला हो, तोली हो, चमोली हो, निषाद हो, गोरी हो, ततमा हो, माझी हो, हर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति उसकी एक्सट्रीम हो गई थी। अब वो किसी से लड़ तो रहा नहीं था, 47 और 56 उसके पास तो है नहीं, जिसके घर में खाने के लिए हालात बुरे हो, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, तो पप्पू यादव को आगे आना पड़ा और उनके घर पर हमला करने की, माँ बाप को मारने की जरूरत तो हम समझते हैं। यदि जेपी को मारना था तो आप रास्ते में कहीं मारते, लेकिन घर पर हमला, माँ बाप पर हमला, और उसके बाद सुशासन बाबू कंप्लीट। अभी सिवान में कई घटना मर्डर हो गए, बगल में जेपी के बाद मर्डर हो गया। ये लगातार इस तरह की घटना क्यों? सच्चाई है कि जेपी गलत मर्डर हुआ, क्या जो भी हुआ हो, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता है लगातार रिवेंज। उसके पहले भी मैंने आपको कहा था यहाँ कौन चौधरी के घर पर हम आए थे, गैंग वार हुआ था, वही टीम से ये लगातार। सर 3 महीने के अंदर, 72 घंटे से 3 महीने के अंदर वो कोई एमपी हो, एमएलए हो, माफिया हो, या किसी के भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, सर या तो वो बिहार छोड़ देगा, या तो उसको 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके सजा देंगे, अन्यथा शमशान में नजर आएगा। सर कोई कंप्रोमाइज नहीं, हर परिस्थितियों में सर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर जितना बड़ा ताकतवर एमएलए एमपी हो, यदि वो समाज विरोधी है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो पप्पू यादव ऐसे लोगों को बिहार के बॉर्डर में प्रवेश करने नहीं देगा, या नहीं तो उसे पप्पू यादव से लड़ना होगा। ये आप क्या रखेगा, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए लड़ाई कंप्लीट अपराधी माफिया समाज बचाने की लड़ाई है।
गोपालगंज बचाने के लिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। गोपालगंज के हर समुदाय, समाज और वर्ग की लड़ाई की आवाज की बात मैं कर रहा हूं। कोई घटना, किसी जाति का क्रिमिनल, किसी जाति का ताकतवर आदमी यदि यूथ जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, यदि वो आजादी चाहता है और अपराधी को लगे कि ये आजादी उसके लिए ठीक नहीं है और उसको फुर्ती लगा कि चलो सामाजिक न्याय में सब कर ले तो, लेकिन वो आज सुशासन बाबू तो बराबर बात करते हैं। अब शाहबुद्दीन जी क्रिमिनल हो गए, अजय सिंह महात्मा गांधी हो गए, उनके शूटर को खरमास में ब्याह करा के वोट दे दी। राजवल्लभ यादव क्रिमिनल हो गए तो कौशलेंद्र यादव क्या बुद्ध हो गए, अशोक महतो और अखिलेश सिंह क्या हो गए, सुरेंद्र यादव क्रिमिनल है मैं मानता हूं तो बिंदी यादव क्या हो गए, रणवीर यादव क्या हो गए, ये जो 150-200 मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अवधेश मंडल की बीवी को, अजय मंडल को आप टिकट देते हैं, अब प्रभुनाथ भाई तो क्रिमिनल नहीं, प्रभुनाथ भाई जब उनके साथ थे तो बोले क्रिमिनल हो गए, अब इधर साथ थे तो साधु थे, इधर आ गए तो क्रिमिनल हो गए, अब उधर महात्मा गांधी बन गए धूमल सिंह। हमको सुशासन बाबू हमको समझाइएगा ना, यदि ठीक है मान लिया लालू यादव शेर क्रिमिनल को पैदा किया, अब तो सवा शेर हो गए ना, हो देर शेर चले गए ना, एक ही तरह की घटना है, एक ही कारतूस, एक ही 47 और वह 47 एक ही गैंग के माफिया का 47। मुझे समझ में नहीं आता कि कब तक बिहार, वैसे तो ये बिहार रेपिस्ट बिहार हो चुका है, लेकिन पहले तो रक्त रंजीत था, मर्डर बिहार था, उन्मादी बिहार था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस बिहार को हम रेपिस्ट बिहार कहते हैं। एक दिन में 40 बलात्कार, पति के सामने पत्नी का, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का, कल आधा दर्जन बलात्कार केस में हम। मर्डर तो चलिए ये खीरा ककड़ी की तरह नियति बन गई है बिहार। अब मुझे समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार जी, 15 साल का सुशासन उनको याद रहता है बहुत ज्यादा, मैं इस बात को मानता हूं, 15 साल के सुशासन में जो बकरी चोर खीरा चोर थे।